कैसे संजय सिंह जी को इम्प्लिकेट किया गया इस मुकदमे और कैसे कोई मुकदमा नहीं बनता, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां दी और सवाल पूछे ईडी से। और फिर लंच पे उठते उठते जब कोर्ट 1 बजे उठ रही थी तो उस वक्त ईडी से ये बोला कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने, वरना हम फिर ऑर्डर डिक्टेट करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस ईडी 2 बजे लेके आए और उन्होंने कहा कि अभी हम संजय सिंह का बेल का अपोज, मतलब वी डोंट रिक्वायर हिम इन कस्टडी, और उसके आधार पर बेल हो गई। और ये साबित करता है हम लोग का स्टैंड शुरू से कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं और बिल्कुल ही एक फैब्रिकेटेड केस में इनको इम्प्लिकेट किया गया था। और अब मुझे उम्मीद है कि संजय सिंह बहुत जल्दी, एक बार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर चला जाए तो संजय सिंह की जल्दी बेल बॉन्ड्स वगैरह भर के हम लोग उनको बाहर लाएंगे। है कि अब थोड़ा माहौल ठीक रहेगा, बस उम्मीद है न्यायपालिका के मेरे वो तीनों भाई भी बाहर आ जाए तो हम चारों लोग मिलके फिर जश्न मनाएंगे। बहुत खुशी की बात है, इसी का तो इंतजार था। और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश है। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है। संजय सिंह जी की जमानत ने ये दिखा दिया, हमने देखा कि किस तरह से पिछले 2 साल से एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार किया जा रहा था, फंसाया जा रहा था। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। इसका जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सवाल था, क्या कोई पैसा रिकवर हुआ है, क्या कोई पैसा अटैच किया गया है? जब कोई पैसा रिकवर ही नहीं हुआ, अटैच ही नहीं हुआ, तो पीएमएलए कैसे लगा है? इसका कोई जवाब ईडी के पास नहीं था, केंद्र सरकार के पास नहीं था।